मैं हूँ अरीबा और आप देख रहे हैं किचन विद अरीबा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं अपने किचन में लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे अपने किचन में मैंगो डिलाइट। बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली आज की रेसिपी, तो मेरे साथ रहें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए। हम डैम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं कुछ कहना चाहूँगी, अगर आपकी कोई फरमाइश है रेसिपी की तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वह रेसिपी लाजमी शेयर करूँगी। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करने से पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे दो मैंगो लिए हैं बिग साइज के, एक को मैंने रफली कट कर लिया और एक को मैंने चम्स में कट कर लिया, आप देख सकते हैं। एक कप मैंने यहाँ पे शुगर ली है, एक कप मैंने यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम ली है, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक मार्बल केक। तो रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्लेंडर लेंगे, इसके अंदर मैंगो ऐड कर देंगे। तो अब हम मैंगो की प्यूरी बना लेंगे। तो अब हम मैंगो प्यूरी के अंदर शुगर ऐड करेंगे। तो मैंगो की प्यूरी तैयार है। तो अब हम एक बोल लेंगे, उसके अंदर व्हिपिंग क्रीम ऐड कर देंगे। तो 4 से 5 मिनट तक हमने व्हिपिंग क्रीम को अच्छी तरह ब्लेंड किया है। तो अब हम व्हिपिंग क्रीम के अंदर मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। तो मैंने व्हिपिंग क्रीम के अंदर 3 टेबलस्पून मैंगो प्यूरी ऐड की है। तो अब हम इसको फिर से ब्लेंड करेंगे। तकरीबन 2 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। तो मैंगो डिलाइट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम केक की लेयर लगाएंगे। तो केक की लेयर लगाने के बाद अब हम मैंगो प्यूरी की लेयर लगाएंगे। तो अब हम मैंगो चम्स ऐड करेंगे। अब हम व्हिपिंग क्रीम ऐड करेंगे जो हमने तैयार की थी। ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आप लोग भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।